अच्छा जी, इस लेसन में हम लोग जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं लेआउट क्रिएट करने के हवाले से, वो ये है कि आप अपने डिज़ाइंस के अंदर, अपनी लेआउट्स के अंदर अलाइनमेंट का जो एक प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करके बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के अंदर आप लोगों को अलाइनमेंट के हवाले से काफ़ी डिटेल में बताया था, और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी एक ख़ास लाइन के साथ टेक्स्ट को अरेंज करते हैं या इमेजेस को अरेंज करते हैं या टेक्स्ट को इमेजेस के साथ किसी ख़ास लीनियर पैटर्न में अरेंज करते हैं तो उससे क्या होता है कि अलाइनमेंट जो है वो हमें नज़र आती है हमारे डिज़ाइन के अंदर। और ये जो अलाइनमेंट है ये बेसिकली आम तौर पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती है जहाँ पे जो टेक्स्ट है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो। जैसा कि हम लोग अब अगर कोई मैगज़ीन देखें और उसकी लेआउट को स्टडी करें तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हमें जो अलाइनमेंट का प्रिंसिपल है वो अप्लाई हुआ हुआ नज़र आएगा। इसी तरह से न्यूज़पेपर्स के डिज़ाइन में आप लोग देखेंगे कि अलाइनमेंट आपको नज़र आएगी। इसके अलावा विजिटिंग कार्ड्स हैं या एनुअल रिपोर्ट्स हैं, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर हम लोगों को अलाइनमेंट का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई हुआ हुआ नज़र आता है। और ये लेआउट के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है वो प्रिंसिपल है। अच्छा, अब हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं और उनकी मदद से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी लेआउट्स के अंदर किस तरह से जो है वो अलाइनमेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक मैगज़ीन की लेआउट है आपके सामने इस वक्त, और इसके ये एक बेसिकली एक डिज़ाइन स्टूडियो है, बहुत अच्छा इनका काम है, उन्होंने ये प्रोड्यूस किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको बहुत इंटरेस्टिंगली ये नज़र आएगा कि जो इमेजेस हैं, यानी कि डबल स्प्रेड है लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों पेजेस के ऊपर, जो इमेजेस आपको दिख रहे हैं वो एक ख़ास हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर प्लेस किए गए हैं। अच्छा, इसी तरह से जो टेक्स्ट है वो अगर आप गौर करें तो वो एक ख़ास वर्टिकल लाइन के साथ प्लेस किया गया है। तो यानी कि इमेजेस को हॉरिजॉन्टली अलाइन किया गया है और जो टेक्स्ट है उसको वर्टिकली अलाइन किया गया है। इसी तरह से अगर ये लेफ्ट पेज पे आप देखें, जे का जो आपको अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है इसके साथ बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो बॉडी टेक्स्ट जो है वो आपको अलाइन नज़र आएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है बहुत आसानी के साथ अलाइनमेंट को ऐड करके अपने लेआउट्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये एक एनुअल रिपोर्ट की एग्जांपल देखते हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है और इसके अंदर भी जो अलाइनमेंट है वो हमें नज़र आ रही है। अगर आप गौर करें तो ऊपर जहाँ पे टाइटल है वो और नीचे जो बॉडी टेक्स्ट है उनको एक ख़ास वर्टिकल लाइन के साथ जो है वो प्लेस किया गया इस डिज़ाइन के अंदर, और जिससे क्या हुआ कि अलाइनमेंट हमें मिल गई है हमारे डिज़ाइन में, और इस तरह से ये जो लेआउट है ये बहुत इंटरेस्टिंग बन गई है। एक और एग्जांपल देखते हैं, और ये एग्जांपल है बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड के हवाले से। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उनको लिखा गया है, और वो जो टेक्स्ट है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का वो बेसिकली अरेंज किया गया है आइकॉन्स के साथ एक वर्टिकल लाइन के ऊपर, यानी कि आइकॉन्स भी एक वर्टिकल लाइन में और बिल्कुल उनके साथ उसी खास वर्टिकल लाइन में हमें जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स का जो टेक्स्ट है वो नज़र आता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे एक सेपरेशन दी गई है, ये दो जो आपको छोटी छोटी लाइंस नज़र आती हैं वर्टिकल लाइंस छोटी छोटी यूज़ की गई हैं टॉप पे और बॉटम पे, और इन्हीं के साथ जो है वो सारे जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो प्लेस किए गए हैं वर्टिकल लाइन के अंदर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करते हुए जहाँ पे टेक्स्ट का इस्तेमाल ज़्यादा हो वहाँ पे हम अलाइनमेंट का जो प्रिंसिपल है इसको अप्लाई करके बहुत आसानी के साथ जो है वो अपनी लेआउट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो अब आप लोगों ने जब भी कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैगज़ीन के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, न्यूज़पेपर के लिए कर रहे हैं, कोई न्यूज़ लेटर कर रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन के अंदर हमेशा जहन में रखें कि अलाइनमेंट आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में लेआउट के हवाले से ही कोई और बहुत इंटरेस्टिंग जो टेक्निक है वो आप लोगों से मैं डिस्कस करूँगा।